Very good morning, everyone. If I ask, what is the most important thing in today's life, what will be your answer? Yes, some of you maybe says food, some of you maybe say money, some of you maybe say walk, some of you maybe say study, some of you maybe say playing. Okay, but if you see the conclusion, these all things we can able to do when we have time, right? So time is the most important thing when we can do our work. Okay, so if we are not aware about the time properly, if we don't know how to calculate the time, we cannot do any particular work within a timeline, or we cannot go to a particular place in a particular time. अगर time का value पूछना है तो उससे पूछिए जो normally एक दो मिनट के लिए train जिसका छूट जाता है, ठीक है? So train का जो होता है एक timing होता है, उस particular time में आ जाते हैं. आप उससे भी पूछ सकते हो जिसको exam hall में late हो जाने के लिए entry नहीं मिलता है, right? So time is the very important thing. जो पर्टिकुलर टाइम में अच्छे से कैलकुलेट करके नहीं रहते हैं तो वो सारा क्वेश्चंस एग्जाम में फिनिश नहीं कर पाते हैं विद इन टाइम लाइन. सो दिस इज व्हाई दिस आर द सम रीज़न वी शुड लर्न अबाउट द टाइम और हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम. अगर मान लो आप कहीं जर्नी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पता है कि कितना बजे ट्रेन है और कितना बजे वहाँ तक आपको पहुँचा रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ मच टोटल टाइम इट इज़ टेकिंग, राइट? आफ्टर देन ये हो सकता है कि इट इज़ सेइंग कि आपको यहाँ से झारखंड जाने में 7 घंटा टाइम लगता है या 8 घंटा टाइम लगता है, और आपका ट्रेन मान लेते हैं कि रात को 8 बजे है या सुबह 7 बजे है, तो आपको बताना है कि कितना बजे आप जो है वहाँ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, तो आप इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, राइट? सो टुडे दैट इज़ व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, विच इज़ द मेजरमेंट ऑफ टाइम और द चैप्टर नंबर 11 टाइम एंड कैलेंडर. ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड कैलेंडर. सो टाइम एंड कैलेंडर. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव लर्न. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर द कन्वर्जन ऑफ टाइम और डेज. दीज सम ऑफ द थिंग्स विच यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. ओके, सो एज लाइक इन एक्सरसाइज 11.1 वी हैव सम क्वेश्चंस इन फर्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली टू डू बेटर इन योर नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. So fill in the blanks questions are there. First question it is asking, there are dash minutes in an hour. So there are dash minutes in an hour. So एक घंटा में, in an hour means एक घंटा
देर आर डैश मिनट्स, कितना मिनट होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लॉक देखे हो, एवरी वन माइट हैव सीन द क्लॉक वेर इन देर आर थ्री हैंड इन ए क्लॉक, तीन हैंड होते हैं इसमें। ठीक है, सो वन इज द सेकेंड हैंड, अनदर इज द मिनट हैंड एंड अनदर इज द आवर्स हैंड। सो इन दिस क्लॉक आई हैव किप्ट टू हैंड्स ओनली, मिनट एंड आवर्स हैंड, राइट। सो इन मिनट्स हैंड इट इज आस्किंग इन हाउ मेनी मिनट्स वन आवर इज देयर। सो वन आवर मीन्स दिस इज द आवर हैंड। सो इट इज आस्किंग कि सपोज दिस इज नाउ 12, सो हाउ मच मिनट इट विल टेक टू कंप्लीट हेयर, I mean to go the hours and into here. So let us see, if you rotate this, you will see if this complete one complete rotation, then it is going to one hand. तो 12 से 1 जाने के लिए एक घंटा के लिए ये इसको पूरा रोटेट करना पड़ रहा है। सो पूरा रोटेशन जो ये कर रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है 5 मिनट, क्योंकि ये मिनट 1, 2, 3, 4, 5 है, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, सो दिस इज 5 मिनट। सो 5 into 12, सो 5 into 12 मीन्स हाउ मच, 60, राइट। सो दिस इज वाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hours, राइट। सो 60 मिनट में एक घंटा होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज देर आर डैश आवर्स इन ए डे, शो देर आर डैश आवर्स इन ए डे। स्पेशली दिस क्वेश्चन इज, इफ यू सी लॉजिकली देन सम ऑफ यू मे से 12, बिकॉज यहाँ पे डे का सिर्फ पूछा जा रहा है, बट इन द केस ऑफ कैलकुलेशन वी यूज टू टेक 24 hours. Why? Because whenever mathematically it is asking about the day, then it talks about the whole day and night 24 hours. Okay. So this is how 24 hours will be equal to 1 day. Next, which is third question. There are dash days in a week. तो सभी को पता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो देर आर हाउ मेनी डेज, यस वेरी गुड, 7 days, देर आर 7 days इन ए वीक। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। Then the further questions which we have is fourth one. So let us see the fourth one. So fourth question which we have is there are dash days in a year. So there are dash days in a year. So there are dash days in a year. So how many days are there in a year, it is asking. So you know 365 days are there in a year. Okay, then fifth question which it is there, there are dash month, there are dash month in a year. In 1 year how many months are there? So 12 months we know, okay. So 12 months we know, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right. So these are the 12 months. And these are the basic things which you should know to understand the further. आगे का जो भी calculations है वो करने के लिए आपको ये सारी basic चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है।
So now let's see the second question which it is asking. Read and write the time of each of the following clocks. So second question is you have to just read and write the time. Read and write the time. पढ़ना भी है और लिखना भी है. सो फर्स्ट टाइम विच इट इज शोज इज लाइक दिस. यहाँ पे थ्री के यहाँ पे एक है एंड अनदर इज इन फोर. सो दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड. आवर्स हैंड इज इन आफ्टर थ्री, थ्री से थोड़ा सा बाद में है. एंड मिनट हैंड वी हैव इज इन फोर. सो मिनट हैंड हमारा फोर में है. तो दिस इज वॉट द question is. So you have to tell what is the time in this and you have to read the time also. So very simply you can see this is 3 and because 20 minute passed, so we can read this as 3 past 20 minute past 3, right? So 20 minute past 3. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3:20. एंड हम लोग इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे 20 मिनट पास्ट 3. ओके, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में, क्लास 3 में भी ये सारी क्वेश्चंस इस तरह से पढ़ा था. तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि एएम है या पीएम है. बेसिकली पीएम में रहता है तो कभी कभी 3 को जो है वो 12 के बाद जो होता है वो 13 लिखा जाता है 1 को, देन 2 को 14 लिखा जाता है, तो इस तरह से किया जाता है. देन 3 को 15 लिखा जाता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. बट बेसिक थिंग इज टू रीड द टाइम एंड राइट द टाइम. ओके, सो वील रीड लाइक 20 मिनट पास्ट 3 एंड वील राइट दिस लाइक 3:20. ओके, एंड द सेकेंड विच वी हैव इज लाइक हेयर एंड वन अनदर इज इन 8. सो यहाँ पे है 2 के बाद में है, मतलब इट इज कम नियर बाय. ये 3 अभी तक बजा नहीं है. सो 3 बजने में हमारा 20 मिनट बाकी है, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है. सो 20 मिनट्स टू 3, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं 20 मिनट्स टू 3, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है. या तो वी कैन रीड दिस लाइक 40 मिनट पास्ट 2. सो 2:40, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 2:40 भी बोलते हैं, या 3 बजने में 20 मिनट बाकी है ये भी बोलते हैं, राइट? तो इसी तरह से इन इंग्लिश वी विल राइट आइदर 40 मिनट पास्ट 2 और 20 मिनट्स टू 3. तो ये दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो. और इसको आप जो लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2:40, राइट? सो 2:40 इज द टाइम एंड विल रीड एज 40 मिनट पास्ट 2 और 20 मिनट्स टू 3, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है. तो दिस इज हाउ वी कैन रीड एंड राइट दिस टाइम. अनदर टू क्वेश्चंस विच वी हैव, सो आई होप यू कैन डू बाय योरसेल्फ दोस टू. वन इज लाइक दिस, वी हैव लाइक दिस. ओके, सो हियर 20 मिनट पास्ट 5, राइट? 5:20, सो 20 मिनट पास्ट 5 और विल राइट लाइक 5:20, है ना? एंड अनदर विच वी हैव इज लाइक दिस. सो हियर यू कैन सी 4:30, सो 30 मिनट पास्ट 4, ओके, और 30 मिनट्स टू 5, कोई भी एक चीज बोल सकते हो. 30 मिनट पास्ट 4, 4:30 बज रहा है बोलते हैं, या 5 बजने में 30 मिनट बाकी है. सो नॉर्मली 4:30 बोलते हैं, सो 4:30 हम लोग लिखते हैं. सो 30 मिनट पास्ट 4. और हम लोग और भी पढ़े थे इसका कि कैसे हम लोग 4:30 को लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने पढ़ा था इसको 15 मिनट पास्ट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 12:15, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो रीड एज हाफ पास्ट 4, ओके? सो दिस इज ऑल्सो रीड एज हाफ पास्ट
4, यहां पे अगर रहता है तो क्वार्टर पास्ट 4, अगर यहां पे रहता है और सपोज एक यहां पे रहता है तो क्वार्टर पास्ट 4, और अगर यहां पे रहता है तो क्वार्टर टू फाइव, ये भी हम लोग ने पढ़ा था हमारे प्रीवियस क्लास में ही, ठीक है। तो यहां पे अगर रहता है 30 में तो हाफ पास्ट पढ़ सकते हैं, हाफ पास्ट 4 राइट, और हाफ पास्ट 5 जो भी है, ठीक है, जहां पे भी रहता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रीड द टाइम ऑफ ए क्लॉक एंड वी कैन राइट ऑल्सो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच वी हैव डिस्कस्ड। थर्ड क्वेश्चन विच वी हैव इज टू चेंज इनटू मिनट, सो दिस विल ऑल्सो बी वेरी सिंपल, चेंज इनटू मिनट्स। So how can we change into minute is very easy. You just, we will multiply by 60 because we know 1 hours is equal to 60 minutes. Okay, so whatever the hours it is given, we just will multiply by 60. So here we have first question is 8 hours. 8 hours will be how much minute? Now 8 into 60 minutes. 8 into 60 minutes. So 8 into 60 minutes means 800, 68 are 48. So 480 minutes will be the required answer. So very easily, whatever the hours it is given, you just need to multiply that by 60, and if with this also, suppose sometime if minute is there, so as much as minute will be there, that much we have to add. So for example, the third one which we have, second one I hope you can do by multiplying with 60 very simply. So third one which we have is, third one is 2 hours and 45 minutes. So 3 hours and 45 minutes is equal to how much minutes that you have to convert. So sorry, 2 hours and 45 minutes. So 2 hours very simply you can convert into minute, and this much of minute we will add. Okay, so 2 hours means 2 into 60. So 2 into 60 minute, okay, plus we will add this much 45 minute. So if you multiply this 16 to our 120 minute plus 45 minute, so if you add 120 plus 45, this will be 5, 4 plus 2 is 6, 165 minutes will be the required answer. तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी आवर्स को मिनट में, ठीक है। तो कोई भी आवर्स में अगर दिया हुआ है एंड इफ इट इज आस्किंग टू कन्वर्ट इन टू मिनट्स, दिस इज हाउ वी विल डू। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग to change into hour. So if it is given in days, so you have to change into hours. So to change into hours, what we will do, we will multiply by 24 because 24 hours is equal to 1 day. So here the first question of fourth, it is asking change into hours. Hours में चेंज करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज 8 days. सो 8 days इज इक्वल टू हाउ मच आवर्स दैट यू हैव टू टेल। सो लेट्स मल्टीप्लाई वेरी सिंपली विथ 24. सो
as here you can write, as we know, one day is equal to 24 hours. ये हम जानते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा. therefore 8 days is equal to, therefore 8 days will be equal to 8 into 24 hours. ओके, सो 8 into 24 hours means this multiply 24 by 8, so 8 4 are 32, 2 3 carry, 8 2 are 16, 16 plus 3 is 19. So 192, that means 192 hours will be the required answer. So that means 8 day, 8 din mein 192 hours hote hain. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू. एंड इफ इट इज आवर्स इज ऑल्सो टूगेदर, देन एज मच एज आवर्स विल बी देयर, दैट मच यू हैव टू एड. फॉर एग्जाम्पल, सिक्स डेज एंड फाइव आवर्स इट इज गिवन. सो 6 days and 5 hours मीन्स 6 into 24 plus 5, सो 6 days and 5 hours. सो 6 days 5 hours मीन्स 6 days is equal to 6 into 24 hours plus 5 hours. So 6 into 24 means how much? Let us see. So 24 multiply 6. 6 4 are 24. 2 carry. 6 2 are 12 plus 2 is 14. So 144. So 144 hours plus 5 hours. So if you add, it will be 149 hours. So this is how very simply you can do the rest of all questions of exercise 11.1 in your homework. So your homework is to do exercise 11.1. So your homework is to do exercise 11.1. Thank you, everyone. Have a good time. Take care and bye-bye.